हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बात करने वाले हैं सर्कल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो जब हम किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स लेंथ पे कोई डिस्टेंस कवर करते हैं और हम कंटिन्यूअसली उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, वो जो पाथ हम कवर करेंगे वो पाथ जो बनेगा वो बनता है सर्कल। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है बीच में वो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये हर जगह सेम रहती है, ये फिक्स डिस्टेंस जो है ये हो गया रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया सर्कल का। अब अगर हम सर्कल के ऊपर दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किए हैं ए और बी, तो इसके बीच का जो सर्कल का पार्ट है उसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये वाला पार्ट भी है और ए और बी के बीच में ये वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया माइनर आर्क, और ए बी के बीच में ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया मेजर आर्क। इसी टाइप से अगर एक सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है ए और बी, और इन दोनों पॉइंट को हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्वाड बोलते हैं। ठीक, और इस आर्क ए बी के बीच में और लाइन सेगमेंट ए बी के बीच का जो रीजन है उस रीजन को हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, इस लाइन और इस आर के बीच का ये वाला हिस्सा भी सेगमेंट है, और इस लाइन और इस आर के बीच का हिस्सा ये भी सेगमेंट है। तो ये छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट हो गया और ये बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट हो गया। और इसी टाइप से अगर कोई क्वाड सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाती है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। इसी टाइप से अगर हमारे पास सर्कल की दो रेडियस है और एक आर्क है, और इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होगा उसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का रीजन ये भी है, और इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का रीजन ये वाला भी है। तो ये छोटा वाला रीजन हो गया माइनर सेक्टर और ये बड़ा वाला रीजन हो गया मेजर सेक्टर। ठीक, तो अब बात करते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की। तो इनके प्रूफ्स भी हैं, अगर आप लोगों को इसके प्रूफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आर्क कोई एंगल बना रही है सेंटर पे और वही आर्क कोई एंगल बना रही है किसी और पार्ट पे उसी सर्कल के, तो जो सेंटर पे एंगल बना है वो डबल होगा उस एंगल के जो किसी और पार्ट पे बना हुआ है उसी सर्कल। तो इसका मतलब एंगल जो ए ओ बी है वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के। ठीक, अब चलते हैं इसकी दूसरी थ्योरम पे। तो इसके दूसरी थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो अगर एक ही जगह से दो एंगल बन रहे हो किसी सर्कल पे तो वो दोनों एंगल सेम होते हैं। तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए और बी एक पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दूं तो ये वाला जो हिस्सा है वो एक सेगमेंट का काम करेगा। तो इस सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब सेम सेगमेंट से एंगल बनते हैं या सेम सेगमेंट में जब एंगल्स होते हैं तो वो इक्वल होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एंगल ए डी बी। ठीक, तो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, तो अगर एक सेमी सर्कल में कोई एंगल बन रहा हो तो वो हमेशा 90 डिग्रीज पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे ए बी एक डायमीटर है, तो अगर यहां देखें ए सी बी ए को पोर्शन को देखूं मैं तो ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्रीज पे होगा। तो एंगल जो ए सी बी है वो 90 डिग्री हो गया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगली जो थ्योरम है सर्कल से रिलेटेड वो है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को चार पॉइंट्स पे टच करता हुआ जा रहा हो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल को चार पॉइंट्स पे टच कर रहा है ए बी सी और डी पॉइंट पे, तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम की। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये कह रहा है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्रीज होगा, ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल सी
वो भी 180 डिग्रीज होगा। तो इसी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो भी बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक, अगर हमारे पास इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज दिया है तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर अपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्रीज दिया है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो बात करते हैं अब सर्कल के नेक्स्ट थ्योरम की, जिसके अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर दो कॉर्ड्स हमारे पास इक्वल हैं किसी सर्कल में तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो ए बी और बी सी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक, तो ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे यानी एंगल वन जो कि ए बी कॉर्ड बना रही है और एंगल टू जो कि बी सी कॉर्ड बना रही है सेंटर पे, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो अगर ए बी इक्वल टू है बी सी के तो एंगल वन होगा एंगल टू के इक्वल। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, जो कि बिल्कुल कन्वर्स है इस वाली थ्योरम का। ठीक, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रहे हैं तो वो कॉर्ड्स आपस में भी इक्वल होंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर हमें दिया है एंगल वन और एंगल टू इक्वल हैं तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कॉर्ड ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, तो नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। ठीक है, तो अगर एक सर्कल पे हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाए किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो हमेशा उसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर जो लाइन OM सेंटर से पास कर रही है अगर वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के तो AM जो होगा वो इक्वल होगा MB के। सिमिलरली जो इस थ्योरम का कन्वर्स होता है वो भी बिल्कुल ट्रू होता है। तो जो इसका कन्वर्स है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। तो अगर हम सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें जो हमने इसलिए बनाई है ताकि जो कॉर्ड है उसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें तो वो लाइन जो होगी उस कॉर्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो अगर ए एम इक्वल टू एम बी तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, तो अब बात करते हैं सर्कल की नेक्स्ट थ्योरम की, तो नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अगर हमें एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल दिए हैं तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, जो इनका सेंटर से डिस्टेंस होगा यानी ओ एम और ओ एन वो आपस में इक्वल होगा। ठीक, वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी इक्वल होगा। ठीक, अब इसी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो भी एकदम ट्रू होता है। तो अगर हम इसका कन्वर्स देखें तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है तो वो कॉर्ड्स आपस में भी इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक, तो यहाँ पे ओ एम डिस्टेंस जो है ए बी कॉर्ड का सेंटर से और ओ एन जो डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड का सेंटर से वो इक्वल दिया हुआ है। ठीक, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ए बी और सी डी की लेंथ होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।